हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, या वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग या वेरी गुड नाइट, जब भी आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक लास्ट लेक्चर लेकर हम आ गए, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर एंड वोल्टमीटर। बट मेरी आपको ये सजेशन है कि ये वीडियो आप चैप्टर नंबर 4 खत्म करने के बाद देखना, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये चैप्टर पूरा जब खत्म हो जाए तब इसमें आना। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उस चैप्टर के एंड में हम आपको पढ़ाएंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो पहले गैल्वेनोमीटर तो समझो, तब उसका कन्वर्जन करेंगे एमीटर और वोल्टमीटर में। तो कुछ नहीं तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले यूट्यूब पे टाइप करना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फिजिक्स वाला, पहले गैल्वेनोमीटर समझ लेना, तब एमीटर वोल्टमीटर आपको ज्यादा समझ में आएगा। नहीं भी पढ़ोगे थोड़ा बहुत बता देंगे, पर फिर फील नहीं आएगा ना, फील चाहिए होता है फिजिक्स में। शुरू करें तो मेरा नाम है अलख पांडे, हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाला। क्या निकालेंगे? चूहे को निकाल लेंगे, नहीं कॉपी और पेन निकालेंगे और चूहे को छोड़ देंगे। तो शुरू किया जाए, तो हेडिंग लगाएंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ये आज का टॉपिक है, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन करना एमीटर में एंड वोल्ट मीटर। इसीलिए बोल रहे हैं कि पहले ये तो समझो कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर चैप्टर नंबर 4 में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ाया, उसके बाद हम कह रहे हैं इस वीडियो को देखने का। बाकी आपकी मर्जी, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, समझ में तब भी आएगा, डिटेल में कोई टेंशन नहीं है। चलो आते हैं। सबसे पहली बात, गैल्वेनोमीटर क्या होता है? सबसे पहला सवाल होता है कि गैल्वेनोमीटर क्या चीज है। बच्चों, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है विच मेजर्स एंड डिटेक्ट्स स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, विच मेजर्स एंड डिटेक्ट्स क्या? स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, छोटे इलेक्ट्रिक करंट को ये मेजर और डिटेक्ट करता है, बहुत छोटे, है ना, माइक्रो एम्पियर में, मिली एम्पियर में उनको ये मेजर या डिटेक्ट करता है, इन मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। इससे हम बोले कि 5 एम्पियर का करंट मेजर करो, ये बोलेगा हमसे नहीं हो पाएगा, इसकी लिमिट ही नहीं है। इसकी लिमिट मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, 30 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, है ना, हद से हद 10 मिली एम्पियर, ऐसे भी आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसकी एक लिमिट है गैल्वेनोमीटर की, ऑल दो इट मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, है ना। जैसे मान लो हमने यहाँ पे बना दिया, गैल्वेनोमीटर का सिंबल होता है जी, ठीक है, इसके अंदर एक कॉइल लगा होता है, वही कॉइल गोल गोल घूमता है, करंट मेजर करता है, ठीक है। मान लो हमने यहाँ से करंट भेजा इसको, सपोज कर लो 5 मिली एम्पियर का, तो इसकी जो नीडल थी, नीडल डिफ्लेक्ट होती है ना मीटर में, अरे स्कूल में देखा है कि नहीं, गैल्वेनोमीटर एमीटर वोल्टमीटर, वो लैब में रखा था, काले काले कलर का डिब्बा, देखने में सब एक जैसा लगता है, बस एक के अंदर गोल में जी लिखा होगा, एक में वी लिखा होगा, एक में ए लिखा होगा, है ना, काले रंग का रहता है, सफ़ेद डायल रहता है। तो मान लो 5 मिली एम्पियर करंट भेजा, तो थोड़ा सा इधर डिफ्लेक्ट हो गया नीडल, है ना, डिफ्लेक्शन बढ़ा, हम समझ गए अच्छा कुछ करंट आया है। मान लो हमने 5 मिली एम्पियर की जगह 10 मिली एम्पियर का भेज दिया, तो 10 मिली एम्पियर पर डिफ्लेक्शन यहाँ पहुँच गया मैक्सिमम पे। फिर मान लो हमने 10 मिली एम्पियर से ज़्यादा कर दिया, हमने कहा चलो अच्छा 100 मिली एम्पियर का भेजते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ चुका है, इस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के बाद ये और डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। तो यही इसकी लिमिटेशन है कि एक पर्टिकुलर करंट तक ही अपना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखा देता है, कहता है अब तो खेल खत्म भाई, आप कितना भी करंट दो हम इतना ही डिफ्लेक्शन दिखाएंगे, इसकी एक लिमिट है, समझ गया। कि जैसे इस पर्टिकुलर वाले की हमने जैसे लिमिट बोल दी 10 मिली एम्पियर, कुछ भी हो सकती है, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर, 50 माइक्रो एम्पियर, कुछ भी। तो एक पर्टिकुलर लिमिट पे इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ सकता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ये इसकी स्केल है, मान लो इस स्केल का फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिल गया, अब इससे ऊपर का करंट लगाने पर ये और ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो इस करंट को हम बोलते हैं IG। IG क्या है? मैक्सिमम करंट फॉर गैल्वेनोमीटर, विच गिव्स, क्या बोलेंगे, फुल
स्केल डिफ्लेक्शन. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आज मैं कुछ छोटा ही ज्यादा ही छोटा लिख रहा हूँ, दिखाई पड़ रहा है. मैक्सिमम करंट फॉर गैल्वेनोमीटर विच गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इससे ज्यादा करंट इस गैल्वेनोमीटर में हम पास नहीं कर सकते. मतलब करना हो करो, डिफ्लेक्शन उससे ज्यादा हमें पता नहीं चलेगा. हमने कहा डिफ्लेक्शन पूरा है, हमने कहा करंट कितना है, तो हम यही कह सकते हैं करंट 10 मिली एम्पियर है या क्या पता उससे ज्यादा है. और बहुत ज्यादा दोगे तो ये शॉर्ट कर जाएगा, है ना, इसका वायर सह नहीं पाएगा, हीट होकर टूट जाएगा. इतने हाई करंट के लिए बना ही नहीं इसका वायर, है ना. कभी स्कूल में करना करना नहीं, महंगा होता है यार. कभी स्कूल में जाके मेंस की सप्लाई लेके डाल देना गैल्वेनोमीटर में, धूम खत्म. नहीं करते, गैल्वेनोमीटर मेजर्स वेरी स्मॉल करंट, है ना. अब ऐसा नहीं कि उसको तुम उठा के डेढ़ डेढ़ वोल्ट की बैटरी लगा लो और 3 वोल्ट की बैटरी से उसको टेस्ट कर दिया तुमने, 3 वोल्ट लगाया धम, आवाज कुछ नहीं आएगी ऐसी. मतलब लगाओगे डिफ्लेक्ट कर, मास डिफ्लेक्ट भी करेगा सब, मस चलेगा, कुछ किसी को कुछ पता नहीं चलेगा. तो 3 वोल्ट पे लगाओगे खचा, डिफ्लेक्ट बढ़िया एकदम थोड़े सारा करेगा, फिर हटाओगे वापस नहीं आएगा. जहां तक गया था ना वहीं उसकी स्प्रिंग टूट गई अंदर की, घुमा दिया, इतनी कस के घुमा दिया, समझ रहे हो. इतना ज्यादा टॉर्क लगा ना उसके अंदर, एक कॉइल होता है टॉर्क लगता है, इतनी तेज घुमाया कि टूट गया, है ना. तो बहुत स्मॉल करंट्स के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, लार्ज करंट के लिए यूज नहीं करते हैं. नोट कर लें, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स के लिए गैल्वेनोमीटर इज फाइन, वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट. असल में तो डिटेक्ट करता है करंट कि इस ब्रांच में करंट है भी या नहीं है, बस इसके लिए होता है ये. इसका जो चीफ पर्पस है फिजिक्स में वो डिटेक्ट करना ही है, है ना. जैसे आपने व्हीटस्टोन ब्रिज में देखा था गैल्वेनोमीटर लगाया था हमने, पता करने के लिए कि इस ब्रांच में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है. नोट कर लिया इतना, IG समझ गया, मैक्सिमम करंट फॉर, जैसे यहाँ पे 10 मिली एम्पियर है. मिटा रहे, ओके. अब हम आते हैं एमीटर पे. एमीटर एक प्रसिद्ध नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र का. एमीटर अ डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, है ना. अब इसकी लिमिट ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट होती है, बट फिर भी इसकी लिमिट बढ़िया होती है. 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, है ना, इन सबको ये मेजर कर सकता है. 5 एम्पियर करंट को, 10 एम्पियर करंट को, यानी इसकी जो वैल्यू है वो ऐसा नहीं कि मिली एम्पियर इसमें खेल रहा है, ये बड़े बड़े करंट मेजर कर सकता है, ठीक है. अच्छा, फिर बात आती है कि इसको आप डिवाइस को अपने अप्लायंस के साथ कैसे लगाओगे. अप्लायंस मतलब जैसे मान लो ये बल्ब है, ठीक है, ये एक बल्ब है, इस बल्ब में आपको करंट मेजर करना है, तो एमीटर कैसे लगाओगे इसके साथ, सीरीज में लगाओगे या एमीटर इस बल्ब के साथ पैरेलल में लगाओगे, बड़ा ही कॉमन सा सवाल है. तो बच्चों करंट किस में सेम रहता है, सीरीज में, तो आप एमीटर को हमेशा किसी भी अप्लायंस के साथ सीरीज में लगाते हो. जैसे मान लो करंट आया, मान लो इसमें 5 एम्पियर करंट है, तो सीरीज में करंट सेम होगा, एमीटर भी कितना करंट शो करेगा, 5 एम्पियर. पैरेलल में लगाओगे तो सेम नहीं शो करेगा, पैरेलल में करंट सेम नहीं रहता. सो एमीटर याद रखना, छोटी बातें, इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अप्लायंस. जिस अप्लायंस में भी आपको करंट मेजर करना है उसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दो, सीरीज में करंट रिमेन सेम. अगर अप्लायंस में करंट 5 एम्पियर तो एमीटर में भी 5 एम्पियर. याद रखेंगे पॉइंट. अब बात आता है कि एमीटर बनेगा कैसे, हाउ टू ड्रॉ इट. तो हमने कहा कुछ गैल्वेनोमीटर में ही चेंज किया जाए, गैल्वेनोमीटर की जो कैपेसिटी है बढ़ा ली जाए तो वो एमीटर बन जाएगा. व्हाट इज एमीटर, अ गैल्वेनोमीटर विथ मच मोर कैपेसिटी फॉर करंट, है ना. तो हमने कहा कुछ गैल्वेनोमीटर में ही हम कुछ चेंज करेंगे, इसीलिए टॉपिक का नाम भी क्या है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर एंड वोल्टमीटर. तो मान लो, आप सुनो क्या होगी कहानी समझो. मान लो कि हमने गैल्वेनोमीटर का ही इस्तेमाल किया, ये रहा जी, ये इसका कॉइल, कचर 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 कचर, ये हमने कहा कि तुमको हम 10 मिली एम्पियर का करंट देंगे, उसने कहा बहुत बढ़िया हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देंगे. सपोज कर लो कि इस टाइम 10 मिली एम्पियर इज द मैक्सिमम करंट इट कैन टेक, कुछ भी हो सकती है वैल्यू. हमने कहा अच्छा ठीक है, हमने कहा अच्छा हम तुम अगर 100 मिली एम्पियर करंट दें तो इसकी वही प्रॉब्लम है कि हम तो इतना ही डिफ्लेक्शन दे के रुके रहेंगे, इससे ज़्यादा डिफ्लेक्शन अब हम नहीं दे सकते, आप हमको 10 मिली एम्पियर के ऊपर करंट मत दो, हो सकता हमारा कॉइल अलग टूट जाए, है ना. गैल्वेनोमीटर ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमको 10 मिली एम्पियर के ऊपर दो मत, हो सकता कॉइल भी टूट जाए और इससे ज़्यादा डिफ्लेक्शन तो हम दे नहीं सकते. हमने कहा 1 एम्पियर मेजर करोगे, उसने कहा क्या कैसी बात करो साहब, गरीब का मतलब दिल दुखा दिया आपने,
हमने कहा 1 एम्पियर मेजर करोगे, 1 एम्पियर मतलब 1000 मिली एम्पियर है ना, मिली 10^-3 होता है, 10^-3 × 10^3 बना। तो हमने कहा 1000 मिली एम्पियर मेजर करोगे, इसने कहा हमसे ना हो पाएगा, हाथ जोड़ लिया है ना ऐसे। तो हमने क्या कहा कि अब कुछ दिमाग लगाते हैं, हमने दिमाग लगाया, हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने यहाँ से एक बहुत ही छोटा सा रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगा लिया, बहुत ही छोटा सा रेजिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं एस शंट। शंट इज वेरी 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 स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। अब देखो वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस का फायदा ये होगा कि जो 1000 मिली एम्पियर आया उसमें से ज्यादातर करंट इधर चला जाएगा, क्योंकि बिकॉज शंट इज वेरी वेरी छिछी वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस भाई, करंट ज्यादा कोशिश करता है कि लोएस्ट रेजिस्टेंस पाथ पे चले, है ना, करंट भी चाहता है मस्ती से चले। तो 1000 मिली एम्पियर आया, ये कह रहा ना हम तो 10 ही लेंगे, इसने कहा चलो भाई लो तुम 10 लो, इतनी देर से तुम रो रहे हो, लो तुम 10 मिली एम्पियर लो, खुश रहो, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाओ। बचा हुआ सारा का सारा करंट, कितना करंट बचा, 1000 में से 10 चला गया, 990 मिली एम्पियर शंट से पास किया। सो मोस्ट ऑफ द करंट पासेस थ्रू शंट, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वाह क्या सोल्यूशन है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब गैल्वेनोमीटर से हमने कहा कितना करंट है, अब सुनो ध्यान से, तो गैल्वेनोमीटर ने कहा हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं, तो करंट 10 मिली एम्पियर है, बट हमें पता है कि एक्चुअल में करंट 1000 भेजा होगा तब इसमें 10 आया होगा। तो जब गैल्वेनोमीटर हमको रिपोर्ट करेगा इस केस में, जब इस केस में गैल्वेनोमीटर हमको रिपोर्ट करेगा कि 10 मिली एम्पियर है, तो हम समझ जाएंगे कि एक्चुअल कितना करंट है, 1000 मिली एम्पियर या 1 एम्पियर। मान लो गैल्वेनोमीटर ने हमको रिपोर्ट किया कि 5 मिली एम्पियर करंट है, डिफ्लेक्शन थोड़ी कम हुई, यहां से करंट कुछ कम आया, इसमें कम गया, इसमें इतना नहीं गया, कुछ कम आएगा तो कम जाएगा, ये तो मैक्सिमम करंट जो इसमें जा सकता है ना, कम आएगा तो इसमें कम जाएगा। मान लो इसने कहा 5 मिली एम्पियर, तो हम समझ जाएंगे नहीं नहीं एक्चुअल में करंट कितना होगा, 500 मिली एम्पियर, 0.5 एम्पियर, एक्चुअल में 500 आया होगा, 10 इसमें गया होगा, है ना, 5 इसमें गया होगा, वेरी सॉरी 500 आया होगा, 500 केस में 5 इसमें गया होगा और 495 यहां से चला गया होगा। यानी शंट की खास बात यह है कि गैल्वेनोमीटर के ऊपर से लोड हटा देता है, गैल्वेनोमीटर कहता है हम 10 मिली एम्पियर या 20 एम्पियर, देखो ये एक सिर्फ वैल्यू ली है हमने सिर्फ समझाने के लिए, अभी वेरिएबल्स में खेलना है, वैल्यूज अभी हमने दे दी है, क्या पता इसकी जो लिमिट हो वो 30 मिली एम्पियर हो, क्या पता 50 माइक्रो एम्पियर हो, फील के लिए हमने आपको बताया कि आपको फील आ जाए टॉपिक का। तो हमने कहा अगर 1000 मिली एम्पियर भेजेंगे, इतने कहा नहीं 10 मिली एम्पियर मैक्सिमम, ने कहा ठीक है तुम 10 रखो, बचा हुआ 990 ऊपर से निकाल लेंगे। पर जैसे ही गैल्वेनोमीटर कहेगा 10 मिली एम्पियर, हम कहेंगे नहीं इस बार हम शंट लगाए हैं, 10 मिली एम्पियर का मतलब 1000 मिली एम्पियर, यानी इसने कहा 10 हमने कहा 1000, यानी आंसर है 1। अब हम 1 एम्पियर मेजर कर सकते हैं इसकी फुल डिफ्लेक्शन में। इस समय पे गैल्वेनोमीटर की जब फुल डिफ्लेक्शन हो रही है, तो ऑल्दो गैल्वेनोमीटर को ऐसा लग रहा है कि 10 मिली एम्पियर मेजर कर रहे हैं, एक्चुअली हमने 1 एम्पियर मेजर कर लिया। गैल्वेनोमीटर ने कहा 5 मिली एम्पियर की डिफ्लेक्शन है, तो हम समझ गए 5 इसमें है तो 495 इसमें होगा। भाई इन दोनों का रेशियो हम पकड़ लेंगे जी और एस का। देखो ना, जब 10 है तो 990 है, तो जब इसमें 5 मिली एम्पियर होगा, 10 का 990, तो 5 का 495 एम्पियर, दोनों को जोड़ा कितना आया 500 एम्पियर, तो हम समझ गए एक्चुअल करंट कितना है, 500 मिली एम्पियर या 0.5। क्लियर है, एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है। तो ये हम कंसेप्ट लगाने वाले हैं, शंट लगा देंगे जो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। शंट क्या है, वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर कहेगा तुम 10 ले सकते हो रखो, बाकी करंट हम खींच लेंगे क्योंकि मेरा रेजिस्टेंस बहुत 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 छोटा है। जब मैक्सिमम करंट इसमें इसमें 1000 आया तो इसमें मैक्सिमम गया, बचा हुआ यहां, अब यहां कम आएगा तो यहां भी कम जाएगा, बचा हुआ यहां। क्लियर है? सो दिस इज हाउ यू चेंज अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग अ वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। कैसे बनाएंगे, यहां पे एक फेरा डायग्राम बना देते हैं हम, कि ये गैल्वेनोमीटर, आप इसके साथ पैरेलल में ये लगा देंगे एस,
S is shunt and shunt is very very small resistance. बहुत ही छोटा होता है ये, तभी तो ज़्यादातर करंट इसमें से जा रहा है। अब सुनो, यहाँ पे कितना करंट आता है, इसको हम बोलते थे IG, मैक्सिमम करंट इसमें कितना आ सकता है IG, है? मान लो यहाँ से करंट निकला IG गया इसमें, तो इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा I-IG, बोलो सही है? जब IG करंट ये शो कर रहा है, ये कहेगा IG है, तो हम कहेंगे IG नहीं, एक्चुअल करंट I है, क्योंकि अब हम समझ गए कि जब ये कुछ डिफ्लेक्शन शो करता है तो ज्यादातर करंट वहां से जा रहा है। हम दोनों करंट को जोड़ेंगे, आंसर देंगे। कैसे जोड़ोगे सर? हम इनका रेशियो रेशियो पकड़ लेंगे, मैथ्स लगा लेंगे, इतनी मैथ्स लगा के हम पकड़ लेंगे कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन ये 10 मिली एम्पीयर कर रहा है, ना कुछ शंट से गया होगा, वो मैथ्स लगा के फॉर्मूला कैलकुलेट करके हमने कहा ना 1000, इसने कहा 5 मिली एम्पीयर आ रहा है, हम कहेंगे ना 5 ना होगा, 5 तुम दे रहे हो, 495 ऊपर से पास कर रहे हो, कुल होगा 500 मिली एम्पीयर, 0.5 एम्पीयर। तो करंट आई आने पर आई जी गया गैल्वेनोमीटर से, आई माइनस आई जी गया शंट से, क्लियर है? अब बात आती है कि सर किस रेशियो में इन दोनों को रखें कि खेल समझ में आए, तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो ये और ये किस में है, पैरेलल में है, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन गैल्वेनोमीटर कॉइल शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इन शंट। मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर कॉइल का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसको मान लेते हैं जी है, जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल, तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा आई जी इंटू जी, वी इज इक्वल्स टू आई आर, और यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा आई माइनस आई जी इंटू एस, यहां का और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेट कर दो, नाउ यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ शंट। बस यही आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला पकड़ लो, ये डायग्राम अच्छे से दिमाग में बसा लो, जितनी बातें समझाई वो अलग बात है, डायग्राम को अच्छे से लर्न कर लो, उसके बाद इसका कोई भी न्यूमेरिकल नहीं फंसने वाला, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हो जाता है, हमने कॉन्सेप्ट टॉपिक को समझा दिया, क्लियर है? क्लियर है? दोनों को पैरेलल में लगाना है, याद रखना है, गैल्वेनोमीटर से पैरेलल में स्मॉल डिस्टेंस शंट लगाना है, करंट आई आया आई जी इसमें, आई माइनस आई जी इसमें, ये दोनों पैरेलल में, वी इज इक्वल टू यहाँ का वी इज इक्वल टू यहाँ का वी होगा आई जी इंटू जी, जी इसका रेजिस्टेंस, आई माइनस आई जी इंटू एस। नाउ हियर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट, कितना बड़ा शंट लगाना है आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, बट हम बच्चों को अपने नहीं बोलते कि ये फॉर्मूला याद करो, ये वाला हम लर्न करने को नहीं बोलते, कई टीचर्स बोलते हैं लिखा देते, कोई दिक्कत नहीं है, हम कहते हैं ये पकड़ लो बस, अरे यार एग्जाम में तो वैल्यूज आएगी ना, रख के सॉल्व कर लेंगे, शंट की वैल्यू निकाल लेंगे। बोलो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से मस्त एकदम? सवाल करें क्या? सवाल करके थोड़ा और मजा आएगा, सवाल करें क्या? करें क्या? अच्छा ये करंट किस में जा रहा है, मान लो यहाँ कहीं बल्ब लगा है, इसके अक्रॉस आपको करंट बचाना था, तो जो करंट इसमें गया वही इसमें गया, अब गैल्वेनोमीटर कहेगा करंट आई जी है, बट हम समझ जाएंगे आई जी नहीं है, एक्चुअल करंट आई है, क्योंकि हम रेशियो वगैरह पकड़ के रखेंगे, सब हमें ये चीजें पता है, है ना? यहां क्या क्या है, जी क्या है रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, आई जी क्या है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फॉर जी, क्या गैल्वेनोमीटर में हमेशा आई जी करंट होता है? नहीं, इससे कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि यहां से कितना करंट आ रहा है, जब यहां से एकदम बरकस करंट आएगा तो इसमें भी मैक्सिमम जाएगा, है ना? आई एक्चुअल करंट, एस क्या है शंट है, वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। सवाल किया जाए, नोट कर लें इतना, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, टा 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 टा, सवाल करें मिटा रहे इसको, पॉज करके नोट कर लो। चल सवाल करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी पहले सवाल करते हैं। क्वेश्चन, अ गैल्वेनोमीटर हुज कॉइल रेजिस्टेंस इज 10 ओम गिव्स
फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 5 mA करेंट. हाउ कैन यू कन्वर्ट इट इंटू एन एम मीटर ऑफ रेंज 0 to 5 ampere. इसे कन्वर्ट करना है एक एम मीटर में ऑफ रेंज 0 to 5 ampere. चलो भाई इसको करके दिखाओ. की करे की करे की करे तेनु मैं लव कर दा बेमतलब कर दा की करे की करे भाई. हाँ तो अ गैल्वेनोमीटर हुज कॉइल रेजिस्टेंस इज 10 ओम यानी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 10 ओम. कॉइल रेजिस्टेंस 10 ओम गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर दिस यानी जो मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर जा सकता है दैट इज 5 mA. हाउ कैन यू कन्वर्ट इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 टू 5 तो अब कितना मेजर करना चाहते हो इससे 0 से 5 के बीच में कुछ भी यानी मैक्सिमम कितना मेजर करना चाहते हैं आप 5 ampere. तो आइए आप कितना भेजना चाहते हो 5 ampere. जब 5 भेजो तो गैल्वेनोमीटर से कितना जाए 5 mA. समझ रहे हो गैल्वेनोमीटर का 5 mA हमने कहा एक्चुअल करंट 5 ampere. ये 5 तो पूरा इसमें जा नहीं सकता. हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं एमीटर में जो 5 ampere तक मेजर कर ले. बड़ा भाई साहब गैल्वेनोमीटर की कितनी औकात है उसकी औकात है 5 mA की. तो अब क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया जाए तो हमने यहाँ से डायग्राम बनाया. ये रहा मेरा गैल्वेनोमीटर जी जग 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 और ये रहा हमारा शंट भाई एस. ठीक है यहाँ से करंट आएगा आई इसमें जाएगा आई जी इसमें जाएगा आई माइनस आई जी. ठीक है बस ये डायग्राम याद रखो फॉर्मूला याद रखने कोई जरूरत नहीं है. डायग्राम याद रखो हर बार इसका डायग्राम बनाना. गैल्वेनोमीटर साथ पैरेलल में शंट लगा लिया काम आसान हो गया. ज़्यादातर करंट इसमें 5 ampere आ रहा है इसमें कितना जाएगा सिर्फ 5 mA और सारा का सारा करंट ऊपर से यही तो करना है हमें. यहाँ से कितना करंट आया भाई साहब 5 ampere. गैल्वेनोमीटर कितना लेगा उसमें से 5 mA बचा हुआ ऊपर से निकल गया. क्लियर है तो अब यहां से क्या बोलोगे जितना पोटेंशियल इसमें उतना पोटेंशियल इसमें यानी आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस. खत्म सवाल. आई जी कितना है 5 mA इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 10. आई कितना है 5 आई जी 5 mA इंटू शंट यही तो निकालना होगा. पूछा ना कैसे बनाओगे एमीटर तो शंट लगा के और कितना शंट लगा के बनाएंगे यही बताना होता है. 5 mA 5 × 10⁻³ इंटू 10 5 − 5 × 10⁻³ इंटू एस. अब देखो 5 में से ये माइनस करोगे तो करीब करीब 5 ही आ जाएगा ना. अरे भाई 5 − 5 × 10⁻³ विल नियरली बी इक्वल टू 5 ओनली ना. क्या ही फर्क पड़ेगा 0.005 से. सो दिस इज 5 × 10⁻². इज इक्वल्स टू 5 × s. बोल सकते हैं 5 5 कैंसिल हो गया. शंट इज 10⁻². या शंट इज इक्वल्स टू 0.01. मैंने कहा ना बहुत छोटा रेजिस्टेंस लगाते हैं. जो फाइनल आप आंसर लिखो एग्जाम में लिखोगे कि हाउ कैन यू कन्वर्ट इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज इतना बाय कनेक्टिंग अ शंट ऑफ 0.01 ओम इन पैरेलल विथ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर. ये आंसर लिखोगे एस क्या वैल्यू निकाल के मत छोड़ना. ये बात लिख देना. पूछा ना हाउ कैन यू कन्वर्ट तो बताना पड़ेगा ना. वो चाहते हैं कि आप बताएं कि आपको कॉन्सेप्ट भी आता हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू एमीटर. तो वो कॉन्सेप्ट भी आपने बता दिया बाय कनेक्टिंग अ शंट ऑफ इतना ओम इन पैरेलल विद कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर. चाहो तो आप पूरी कैलकुलेशन करके ये एग्जैक्ट वैल्यू निकालना और तब यहां आंसर निकाल लेना. ठीक है थोड़ा सा ज्यादा आएगा. क्लियर है. एक और सवाल देखा जाए. मिटा दें पॉज कर लें कचक 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 नोट कर लें मिटा रहे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. एक क्वेश्चन और कर लो फिर इसका एक कंसेप्ट और बताएं फिर चलते हैं वोल्ट मीटर पे. क्वेश्चन नंबर 2. A galvanometer whose coil
resistance is 1 ohm has 50 divisions where each division, yeah, where 50 divisions which measures 1 microampere per division. है ना, अलग अलग लैंग्वेज में लिखे होते हैं सवाल, अंदर करने का तरीका सेम होता है, लैंग्वेज चेंज कर देता है थोड़ा. क्या बोला, गैल्वेनोमीटर हुज कॉइल रेजिस्टेंस इज 1 ओम हैज 50 डिविजंस व्हिच मेजर्स 1 माइक्रो एम्पियर पर डिविजन. हाउ कैन यू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 10 एम्पियर. चलिए यार आप खुद से ट्राई करिए, चलिए एक खुद से ट्राई करिए. हाउ कैन यू कन्वर्ट इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 10 एम्पियर. क्या किया जाए. चलो देखते हैं, डायग्राम बना लेते हैं. वही सेम यहां होगा अपना गैल्वेनोमीटर, कचक 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 कचक. यहां लगा होगा शंट. क्या बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कॉइल का 1 ओम है, तो जी की वैल्यू 1 ओम है. चलो ये क्लियर हो गया. हैज 50 डिविजंस व्हिच मेजर्स 1 माइक्रो एम्पियर पर डिविजन. ठीक है, अब देखो कुछ फुल स्केल डिफ्लेक्शन नहीं बताया, कुछ और कहानी बता रहे हैं. क्या बोल रहे हैं, जो गैल्वेनोमीटर है, ये जो गैल्वेनोमीटर है ठीक है ना, इसमें 50 डिविजन है टोटल. कितनी डिवीजन है, 50 डिवीजन है, और एक डिवीजन कितना मेजर करेगा, 1 माइक्रो एम्पियर. ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर एक डिवीजन मेजर करेगा. तो बच्चों 50 डिवीजन मिलके कितना करंट मेजर कर पाएंगे, मेरे ख्याल से तो 50 माइक्रो एम्पियर. टोटल इस पे डिवीजन कितनी है, 50, यानी ये जो आखिरी करंट मेजर करेगा, ये जो आखिरी करंट मेजर करेगा वो कितना होगा, 50 माइक्रो एम्पियर. क्लियर, एक डिवीजन से एक माइक्रो एम्पियर, तो टोटल 50 डिवीजन से 50 माइक्रो एम्पियर, यानी छुपा के आपको आईजी की वैल्यू दी 50 माइक्रो एम्पियर. भाई फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो गया ना ये. अरे यही तो मतलब हुआ ना कि पूरी स्केल का डिफ्लेक्शन, मतलब फुल स्केल तक डिफ्लेक्ट कर गए. 50 डिवीजन है इसके अंदर, तो 50वीं डिवीजन तक आते आते कितना करंट मेजर करेगा, 50 माइक्रोएम्पियर. एक डिवीजन हिलता है तो कितना बढ़ता है, 1 माइक्रोएम्पियर. ये 2 माइक्रोएम्पियर, 3 माइक्रोएम्पियर, 4, 50 तक आते आते 50 माइक्रोएम्पियर, यही इसकी लिमिट हो गई. तो ये हो गया मैक्सिमम करंट आईजी. ठीक है, अब आप क्या चाहते हो, कन्वर्ट करना चाहते हो एमीटर में जो कितना मेजर कर सके, 0 से 10, यानी आप 10 चाहते हो मेजर करें. आप चाहते हो जब यहां से 10 एम्पियर भेजें तो इसमें कितना जाए, 50 माइक्रो एम्पियर, इसकी लिमिट तो यही है ना. और बचा हुआ करंट शंट में से निकल जाए, काम बन जाएगा. इसमें जब 25 माइक्रो एम्पियर ये बताएगा तो हम समझ जाएंगे 5 एम्पियर आ रहा है. लॉजिक समझो थोड़ा, ये भी समझो, रेशियो वाली कहानी. गैल्वेनोमीटर हमेशा थोड़ी ना फुल स्केल देगा. मान लो गैल्वेनोमीटर ने कहा कि साहब आंसर है 25 माइक्रो एम्पियर, तो हम समझ जाएंगे 25 नहीं है, 50 पे 10 हो रहा है तो 25 पे 5 होगा. बात आ रही है समझ में. खैर, तो यहां से करंट जाएगा आई, यहां करंट आई जी, यहां आई माइनस आई जी. आई की वैल्यू कितनी हो गई इस केस में, 10 एम्पियर. बस इसके बाद फॉर्मूला लगाना है, क्या यहां का पोटेंशियल इज इक्वल्स टू यहां का पोटेंशियल, आई जी इंटू जी इज इक्वल्स टू आई माइनस आई जी इंटू एस. आई जी की वैल्यू कितनी है, 50 माइक्रो एम्पियर, इंटू जी की वैल्यू कितनी है, 1 ओम, इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू कितनी है, 10 एम्पियर. 10 माइनस आई जी कितना है, 50 माइक्रो एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई एस. माइक्रो इज 10 की पावर माइनस 6, इज इक्वल्स टू 10 माइनस 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू एस. ये वैल्यू करीब करीब 10 के बराबर ही आ जाएगी, है ना. 10 माइनस 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इज नियरली इक्वल टू 10 ओनली, तो इसको 10 लिख लेंगे. So 50 into 10 to the power minus 6
इज इक्वल्स टू 10 इंटू एस, यहाँ से शंट की वैल्यू मिलेगी, 0 0 मर जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ओम। आंसर आप ये नहीं लिखोगे, आंसर क्या लिखोगे, बाई कनेक्टिंग अ शंट ऑफ 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ओम इन पैरेलल विद द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। हाउ कैन यू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, बाई कनेक्टिंग अ शंट, शंट क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। यहां कितना शंट है, तो लिखोगे बाय कनेक्टिंग 5 इनटू 10 पावर माइनस 6 ओम का शंट इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। क्लियर है? अब इसके लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना हो गया, 10 एम्पीयर, है ना। जब इसने कहा फुल स्केल है, हमने कहा 50 माइक्रो एम्पीयर, इसने कहा नहीं हमें पता है इसमें से भी करंट जा रहा है, टोटल कितना होगा मेजर कर सकते हैं हम, 10। इसने कहा 25, हमने कहा 25 आंसर, इसने कहा नहीं 25 है तो साहब यहां मतलब होगा 5। तो अब देखो इसी के हेल्प से आप 5-10 सब मेजर कर पा रहे हो। मिटा रहे, नोट कर ले, मिटा रहे, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें, 1 2 3 4 मिटा दें। ओके, अब देखो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसके बाद चलते हैं वोल्टमीटर के ऊपर, एक कॉन्सेप्ट और है, कॉन्सेप्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर शुड बी 0। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर शुड बी 0। नोट करो इस बात को, पहले लिख लो इसको, आइडियल वोल्ट मीटर का इंफिनिटी होता है रेजिस्टेंस, आइडियल एम मीटर का 0 होता है। अच्छा, जरा एम मीटर थोड़ा सा देखते हैं, एम मीटर देखते हैं थोड़ा, ये गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, ये शंट लगाएंगे, यही एम मीटर है ना। अगर इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है, सो आर इक्विवेलेंट विल बी आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ये होगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एमीटर का, ये दोनों पैरेलल में, यही तो कंप्लीट सेटअप मिलके क्या बनता है, दिस इज एमीटर। तो आर इक्विवेलेंट इज आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ये होना चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हम कह रहे हैं जीरो हो जाए, है ना। अच्छा, हम क्यों चाहते हैं जीरो, ये भी एक सवाल उठता है, पहली चीज क्यों जीरो चाहते हैं, और एक सिंपल सा फिनोमेना समझाते हैं। मान लो, अरे प्यार समझोगे, एकदम फील आ जाएगा, मान लो ये बल्ब है, एकदम पक्का फील आएगा, ये एक बल्ब है, क्या चीज है, ये एक बल्ब है। मान लो इस बल्ब के कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है, और इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो 12 वोल्ट है, ईएमएफ 12 वोल्ट है, तो बल्ब में कितना करंट आ रहा होगा, बहुत ही आसान है बताना ये बात, 12/4 यानी 3 एम्पियर का करंट बल्ब में जा रहा होगा। तो अगर हम एमीटर लगाएं तो उसे कितना करंट मेजर करना चाहिए, 3 एम। भाई एमीटर का काम क्या है जीवन में, करंट मेजर करने के लिए तो पैदा हुआ है। तो अगर इस बल्ब के सीरीज में हम एमीटर लगाएं तो आंसर आना चाहिए 3, पर ऐसा हुआ नहीं। देखो क्या हुआ, देखो क्या होगा जब एमीटर आप यूज करोगे, मान लो ये आपका बल्ब और ये आपने लगाया एमीटर सीरीज में इसके साथ, ये कितना है 12 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। अब एमीटर का भी तो खुद का कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है, आर इक्विवेलेंट किसका रेजिस्टेंस है ऑफ एमीटर का, मान लो एमीटर का रेजिस्टेंस 2 ओम है, जस्ट सपोज करो 2 ओम है, अब करंट कितना हो जाएगा बच्चों, 12/6 हो जाएगा कि नहीं, भाई ये दोनों सीरीज में ऐड हो जाएंगे, 4 2 6 तो 12/6 2 एम्पीयर, इसमें करंट 2 एम्पियर, एमीटर में भी 2 एम्पियर, एमीटर से पूछा कितना करंट है, कह रहा 2 एम्पियर, समझे क्या प्रॉब्लम हुई, मेजर करना चाहिए था 3, मेजर कर रहा है 2, क्योंकि इसके कॉइल का खुद का कुछ रेजिस्टेंस है जो ओवरऑल करंट को डिक्रीज कर देगा। बात समझ में आई, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर डिक्रीजेस the current in appliance, बोलो समझ में आई ये लाइन,
एमीटर लगाते ही क्या हुआ, उसके कॉइल का रेजिस्टेंस भी सर्किट में आ गया। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 4, 2, 6 ओम। अब करंट आ रहा है 2 एम्पियर, तो एक्चुअल में तो बल्ब में 3 एम्पियर करंट था। ये कैसा विनाशकारी एमीटर है जिसको लगाते ही बल्ब में करंट ही डाउन हो गया। भाई एमीटर का काम क्या है जीवन में, करंट मेजर करना, करंट खा रहा है वो। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम बोलते हैं कि शंट लगाओ, कि शंट लगाओ। भाई शंट की वैल्यू बहुत छोटी है, 5×10⁻⁶ ओवरऑल आर इक्विवेलेंट को बहुत छोटा कर देगी शंट, ये काम कर देगी। सो ड्यू टू शंट एस आर इक्विवेलेंट टेंड्स टू जीरो प्रैक्टिकली ना, एग्जैक्टली जीरो तो नहीं होगा प्रैक्टिकली, एंड आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू जीरो आइडियली। एंड क्यों होना चाहिए समझ में आ गया भाई, इसका रेजिस्टेंस करीब करीब अगर जीरो के आसपास पहुंच जाए 0.0001 ओम, तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ही रहेगा और करंट 3 एम्पियर ही आएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अभी इसका रेजिस्टेंस हमने 2 ओम लिया, तो इसने क्या किया, करंट को कम कर दिया, 4, 2, 6 करंट कितना आया, 2 एम्पियर आया। अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो 0.0000001 ओम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी भी 4 रहा और करंट अभी भी कितना आएगा, 3 ओम। क्लियर हुई लॉजिक पूरी, क्लियर हुई? जब ये 0 हो जाएगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंडीशन वापस यही आ जाएगी। आ गया, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर शुड बी 0। मिटा रहे, ओके। अब हम चलते हैं वोल्ट मीटर की तरफ कि वोल्ट मीटर क्या होता है और गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट इज वोल्ट मीटर। तो बच्चों वोल्टमीटर सबको पता तो है, ये डिवाइस क्या होती है, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर, क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इन एन अप्लायंस। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज होता है। इसको कैसे लगाओगे, सीरीज में लगाओगे कि पैरेलल में लगाओगे डिवाइस के साथ। जैसे मान लो ये बल्ब है, इस बल्ब में मान लो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो वोल्ट मीटर कैसे लगाओगे, पैरेलल में। वोल्ट मीटर किस में लगेगा, पैरेलल में, इसका सिंबल V होता है वोल्ट मीटर का। क्यों पैरेलल में लगा, क्योंकि पैरेलल में आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम। अरे सीरीज में लगा देंगे तो इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम थोड़ी ना होगा, आपको बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अगर बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस भी 10 होगा कि नहीं, बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल, पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस सेम। सो वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ अप्लायंस। एमीटर कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट करते हैं क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। वोल्टमीटर किसमें, पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम। अब बात आती है कि वोल्टमीटर बनेगा कैसे, तो अपने पास ले दे के वही एक डिवाइस है गैल्वेनोमीटर, है ना, उसी से सब बनाना है, उसी से चांदी का टोकरा भी बना देंगे, उसी से हम, है ना, सोने का चम्मच जो बना देंगे सब उसी से बनाएंगे। तो वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अप्लायंस। अब कैसे बनाया जाए वोल्टमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर किया जाए, चलो सोचते हैं। मान लो ये बल्ब है, इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को मेजर करना है, तो हमने क्या किया, इसके साथ पैरेलल में एक गैल्वेनोमीटर लगा लिया। अपने पास तो गैल्वेनोमीटर ही है ना, चलो हम उसी को उठाते हैं। हमने पैरेलल में एक गैल्वेनोमीटर लगा लिया, ठीक ना, अच्छा पैरेलल में गैल्वेनोमीटर लगा लिया, ठीक है। यहाँ से कुछ करंट वगैरह आया होगा, गैल्वेनोमीटर कितना करंट गया, आई जी। हमने कहा इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हमने बोला वी इज इक्वल्स टू आई जी इंटू जी, V इज इक्वल्स टू आई जी इंटू जी, मिल गया। अब जो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ये होगा, प्रॉब्लम खत्म हो गई। भाई जी की वैल्यू आपको पता होती है, इसके कॉइल का क्या रेजिस्टेंस है, आई जी आपको पता ही होता है कितने पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो आपने आई जी इंटू जी का, आपने कहा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ये, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस ये,
दोनों के अक्रॉस सेम होगा कि नहीं होगा? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि IG इज वेरी वेरी स्मॉल. प्रॉब्लम अभी क्या रह गई? प्रॉब्लम ये रह गई कि IG इज वेरी वेरी स्मॉल, बाकी कोई दिक्कत नहीं है. बाकी हमने कहा गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, तो उसने कहा हाँ है. हमने कहा फुल स्केल मतलब कितना? 10 मिली एम्पियर फॉर एग्जांपल, तो उसने बोला हाँ. हमने कहा जी की वैल्यू 10 है, फॉर एग्जांपल जी की वैल्यू 10 ओम ले ली, तो कितना पोटेंशियल मेजर किया? वी इज इक्वल्स टू 10 मिली एम्पियर इंटू 10 ओम, है ना. थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आई जी की वैल्यू कितनी है, 10 मिली एम्पियर, मैक्सिमम करंट जो मेजर कर सकता है फुल स्केल, और जी की वैल्यू 10 है, तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 10 कितना हो गया? 10 की पावर माइनस 1. तो जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन हुआ तब ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाया? 0.1 वोल्ट. तो यही दिक्कत है ना कि आईजी बहुत बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से ये वैल्यू बहुत कम आई. बहुत बड़े बड़े पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर नहीं कर पाएगा, प्रॉब्लम ये. अभी सोचो ये तो फुल स्केल है. मान लो ये कहता है, ये रिपोर्ट करता कि फुल स्केल नहीं हो रहा, ये रिपोर्ट करता कि इट्स नॉट फुल स्केल, जो हमारे अंदर करंट, भाई हमको तो यही मेजर कर पा रहे हैं ना, ये सब तो हमें दिख नहीं रहा. इसने रिपोर्ट किया कि हमारे अंदर जो करंट है सपोजिटली मान लो 5 मिली एम्पियर है. तो अब हम यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाएंगे, थोड़ा सा यूनिटरी मेथड, कि 10 मिली एम्पियर का मतलब क्या था? 0.1 वोल्ट. तो 5 मिली एम्पियर का मतलब कितना पोटेंशियल हो रहा होगा? पॉइंट, इसको दो से डिवाइड कर देंगे, ये इसका आधा हुआ, तो यहाँ पे इसका आधा हो जाएगा 0.05 वोल्ट. समझ लो, प्रोपोर्शनैलिटी समझ गए. मान लो हमने कहा कि गैल्वेनोमीटर ने रिपोर्ट किया कि हमारे में फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट नहीं है, करंट इन गैल्वेनोमीटर इन जी, करंट इन जी मान लो फुल स्केल नहीं है, गैल्वेनोमीटर में कुछ कम करंट है, जैसे सपोज कर लो 1 मिली एम्पियर है, तो 10 मिली एम्पियर पे 0.1 वोल्ट मेजर हो पाया है, तो 1 मिली एम्पियर पे 0.01 वोल्ट मेजर हो पाएगा, है ना. ये हम प्रोपोर्शनैलिटी समझ लेंगे अपनी, पर प्रॉब्लम यहाँ नहीं है. ये तो हम समझ ही सकते हैं कि ठीक है, जब 10 मिली एम्पियर है तो 10 इंटू ये किया है, जब 5 है तो 5 इंटू ये करके आंसर आया है, जब 1 है तो 1 इंटू ये करके आंसर आया है ना. तो जो भी हमारा वोल्टेज होता है वो जी टाइम्स बढ़ जाता है बस करंट से. फुल स्केल डिफ्लेक्शन देखा, करंट देखा, उसको जी से मल्टीप्लाई किया, समझे कितना पोटेंशियल है? नहीं समझे. फुल स्केल डिफ्लेक्शन देखा, करंट देखा, उसको जी से मल्टीप्लाई किया, जो भी डिफ्लेक्शन उसका करंट देखा उसको जी से मल्टीप्लाई किया. प्रॉब्लम वहाँ नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि जो मैक्सिमम वोल्टेज ये मेजर कर पाया है वो बहुत कम है. मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो ये पकड़ पा रहा है बहुत ही कम है यार, 0.1 वोल्ट. अब क्या करें? हमें मेजर करना है बल्ब में 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट. अब क्या करें? इसका क्या सलूशन है? इसका सलूशन क्या है? ध्यान से देखो, हम यहां सीधा बना रहे हैं. इसका सलूशन क्या है? ये रहा अपना बल्ब. इसका सलूशन ये है कि आप गैल्वेनोमीटर के साथ एक बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दो. वहां पे क्या किया था? एक बहुत ही लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया था, यहां एक बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दो विद द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर. क्या फायदा होगा समझाएं? ये सब नोट करने की जरूरत नहीं है, समझाएं फायदा क्या होगा. सी, अगर मैं इसके साथ सीरीज में एक बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस लगा दूं, बहुत हैवी रेजिस्टेंस, ये मान लो 10 ओम है तो ये मान लो 990 ओम है, ऐसी एग्जांपल ले ले, 990 ओम, और यहां करंट कितना आ सकता है आईजी? फॉर एग्जांपल 10 मिली एम. अब जब इसका फुल स्केल होगा तो हम बोलेंगे 10 मिली एम्पियर करंट, पर इस टाइम पोटेंशियल कितना हो जाएगा? आई इंटू जी प्लस आर. भाई रेजिस्टेंस भी तो आ गया, वी इज इक्वल टू आई आर में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये दिख रहा है. जब हमने कहा फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, यानी करंट कितना है? 10 मिली एम्पियर है, बट पोटेंशियल कितना होगा? वी इंटू आई आर. आई कितना है? 10 मिली एम्पियर इंटू जी प्लस आर, कितना हो गया? 1000. 10 मिली एम्पियर 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 1000, 1000 से ये कैंसिल, 10 वोल्ट अब ये मैक्सिमम मेजर कर सकता है. एक हैवी रेजिस्टेंस लगाने से क्या हुआ? V इज इक्वल टू आई आर में सिर्फ G नहीं आया, एक R भी आ गया, G प्लस R.
जब 10 मिली एम्पियर करंट है तो हम समझ पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट। किसने कहा मान लो नहीं नहीं कि गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है थोड़ा कम है, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन थोड़ा कम है, किसने कहा गैल्वेनोमीटर में जो करंट दिखाई पड़ रहा है वो हमको 5 मिली एम्पियर दिख रहा है, तो हम समझ जाएंगे पोटेंशियल कितना होगा 5 वोल्ट। 10 मिली एम्पियर पे 10 वोल्ट है, 5 पे 5 वोल्ट होगा। 1 मिली एम्पियर उसने कहा कि हमें दिख रहा है, तो हम समझ जाएंगे 1 मिली एम्पियर है तो पोटेंशियल कितना होगा 1 वोल्ट। जितना भी करंट दिखाई दे उसको जी प्लस आर से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस योर अप्लायंस। गैल्वेनोमीटर तो करंट ही मेजर कर रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं, जो भी करंट उसने मेजर किया उसको जी प्लस आर से मल्टीप्लाई कर दो एंड दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस योर अप्लायंस। पर बार बार मल्टीप्लाई नहीं करते हम, तो फैक्टर समझ लेते हैं, डिवाइस बनाया ना हम, कैलिब्रेट करके फैक्टर समझ लेते हैं कि हाँ भाई इसका 10 मिली एम्पियर का 10 वोल्ट बन रहा है तो 5 मिली एम्पियर का 5 वोल्ट बनेगा, 1 मिली एम्पियर का 1 वोल्ट बनेगा। और जरूरी नहीं ऐसा बने, ये तो एक पर्टिकुलर केस लिया, आर की वैल्यू चेंज हो सकती है। अभी आर की वैल्यू मैं मान लो 90 ओम ले लूं, तब ये कितना हो जाएगा जी प्लस आर, 10 प्लस 90 100 हुआ तो आंसर आएगा 1 वोल्ट, तब इसकी जो मैक्सिमम रेंज होगी तब 1 वोल्ट हो जाएगी। मान लो इसकी वैल्यू मैं 9990 ले लूं, बहुत ही बड़ा होता है इसका वैल्यू, अप्रॉक्स ले रहे 9990, तब ये कितना हो जाएगा 10000, 10000 होते ये कितना मेजर करने लगेगा 100 वोल्ट, तब 5 मिली एम्पीयर के लिए 50 वोल्ट, 1 मिली एम्पीयर के लिए 10 वोल्ट। क्लियर है? सो हाउ कैन यू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, बाय कनेक्टिंग अ वेरी हैवी रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। नाउ सपोज यहां से करंट आई आया, इसमें मैक्सिमम करंट अभी भी कितना जाएगा आई जी। अब कोई पूछे क्या पोटेंशियल डिफरेंस है बल्ब के अक्रॉस, तो जो बल्ब के अक्रॉस है वही यहां पे है, यहां पे कितना होगा V इज इक्वल्स टू आई जी इंटू जी प्लस आर। यहां करंट कितना आया आई जी, यहां पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू आई जी इंटू जी प्लस आर। जी क्या है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, R क्या है अ वेरी हैवी रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर, IG मैक्सिमम करंट इन गैल्वेनोमीटर या करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, एंड V इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड, या बोल दो फुल स्केल डिफ्लेक्शन पोटेंशियल डिफरेंस। जब फुल स्केल है तब करंट IG है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आई जी इंटू जी प्लस आर। नोट करें, नोट करें, फिर इस पे एक न्यूमेरिकल हिलाते हैं हम। हो गया, छाप लें पॉज करके, छाप लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉज करके छाप लिया, चलिए सवाल करते हैं। तो एमीटर कैसे बनता है पैरेलल में शंट लगा के, और वोल्टमीटर कैसे बनता है सीरीज में हैवी रेजिस्टेंस लगा के। चलो एक सवाल करते हैं, गैल्वेनोमीटर, अ गैल्वेनोमीटर हुज कॉइल हैज रेजिस्टेंस 10 ओम गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 1 मिली एम्पियर, हाउ कैन यू कन्वर्ट इट इंटू अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 2.5 वोल्ट। देखो एक गैल्वेनोमीटर है, किया जाए सवाल, पॉज करके ट्राई करना हो ट्राई कर लें आप, पॉज करके ट्राई करना हो ट्राई कर लें। मैं करूं 1 2 3 4 आओ, एक गैल्वेनोमीटर है जिसके कॉइल का रेजिस्टेंस है 10 ओम, फुल स्केल डिफ्रेक्शन दे रहा है 1 मिली एम्पियर के लिए, कन्वर्ट करना है एक वोल्ट मीटर में, तो कैसे कन्वर्ट होगा, जैसे मान लो ये बल्ब होगा इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा, तो यहाँ गैल्वेनोमीटर और यहाँ लगा लेंगे एक हैवी रेजिस्टेंस आर, यहाँ करंट कितना आ सकता है आई जी, V इज इक्वल्स टू आई जी इंटू जी प्लस आर, ये फॉर्मूला यूज होता है गैल्वेनोमीटर में, वहां क्या था आई जी इंटू जी इज इक्वल्स टू आई माइनस आई जी इंटू एस, और यहाँ ये V इज इक्वल्स टू आई जी इंटू जी प्लस आर। कितना V मेजर करना है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ तक जाना है 2.5, V क्या होता है मैक्सिमम फुल स्केल 2.5 तक, कि जब ये बोले आई जी तो हम बोलेंगे कितना पोटेंशियल
2.5. सो 2.5 इज इक्वल्स टू आई जी कितना है 1 मिली एम्पियर, जी की वैल्यू कितनी है 10 ओम प्लस आर ही तो कैलकुलेट करना होगा. सो 2.5 इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 3 10 प्लस आर, 10 पावर माइनस इधर जाके 10 की पावर प्लस 3 हो जाएगा. तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 10 प्लस आर, ये हो जाएगा 2500 इज इक्वल्स टू 10 प्लस आर. यहाँ से आर की वैल्यू आपको मिल रही है 2500 माइनस 10, 2500 में से 10 गया 2490 ओम. देख रहे हो कितना हैवी डिस्टेंस है 2400. इसने क्या किया 2490 ने, ये इसके साथ जुड़कर ओवरऑल वी बढ़ा दिया, अदरवाइज ये बहुत कम वी. ये कितना मेजर करता है 1 मिली एम्पियर इनटू 10, 0.01 वोल्ट मेजर कर पाता है अकेला. 1 मिली एम्पियर इनटू 10, 10 पावर माइनस 3 इनटू 10, 10 पावर माइनस 2, 0.01 वोल्ट. और ये आते ही इससे जुड़ा ओवरऑल पोटेंशियल ये ज्यादा मेजर किया. सो आंसर क्या लिखोगे, बाय कनेक्टिंग अ हैवी रेजिस्टेंस 2490 ओम इन सीरीज विद द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर. आंसर में आर निकाल के छोड़ना मत. यहां क्या लिखोगे सीरीज, वहां क्या था पैरेलल में शंट, यहां बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस 2490 इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर कॉइल. चलिए अब इसमें भी लास्ट में एक कॉन्सेप्ट देखते हैं. कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर शुड बी इनफाइनाइट. आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो. कैसा होता है वोल्टमीटर, एक गैल्वेनोमीटर होता है और एक हैवी रेजिस्टेंस आर होता है. अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें, यही तो बना ना वोल्टमीटर, एक गैल्वेनोमीटर हैवी रेजिस्टेंस को मिलाकर ही तो वोल्टमीटर बना. तो अगर इसके रेजिस्टेंस की हम बात करें तो असल में कितना होगा आर प्लस जी के बराबर होगा. अब हम कह रहे हैं ये आर प्लस जी ना हो के टोटल इन्फाइनाइट हो जाना चाहिए, या आर प्लस जी की वैल्यू इन्फाइनाइट आनी चाहिए. व्हाई आई एम सेइंग दिस, आइडियल वोल्टमीटर इन्फाइनाइट, आइडियल एमीटर जीरो. व्हाई आई एम सेइंग दिस, सपोज कर लो ये वही बल्ब है अपना, इस बल्ब का रेजिस्टेंस वही अपना 4 ओम. ठीक है, मान लो यहां करंट आया 3 एम्पियर का, तो यहां पोटेंशियल कितना हुआ V इज इक्वल्स टू आई आर 12 वोल्ट. तो वोल्टमीटर लगाने पे आंसर क्या आना चाहिए 12 वोल्ट. अब देखो वोल्टमीटर क्या करेगा, ये कितना है अपना 4 ओम. आपने क्या किया, यहां से एक वोल्टमीटर कनेक्ट किया, वोल्टमीटर दिस इज वोल्टमीटर कंप्लीट. इसका अपना रेजिस्टेंस आर ई है, आर ई है. यहां से करंट आया 3 एम्पियर, कितना आ रहा था 3 एम्पियर ना, 3 एम्पियर आ रहा था 4 ओम में, आंसर 12. तो वोल्टमीटर लगाने पे इसकी रीडिंग आनी चाहिए 12. पर होगा क्या, 3 एम्पियर करंट आते ही कुछ इधर आ जाएगा कुछ इधर, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कुछ तो है. वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी हाई. भाई आर लगा दोगे, आर बहुत बड़ा है, जी भले ही छोटा है, तो आर प्लस जी इज वेरी हाई. वेरी हाई होने से क्या होगा कि इस तरफ करंट बहुत कम आएगा, करंट शॉर्टेस्ट पाथ में जाता है ना, उस पाथ में जाता है जिस पर रेजिस्टेंस सबसे कम हो. तो इसमें बहुत कम करंट आएगा, पर कुछ तो आएगा, कुछ तो आएगा. जैसे सपोज कर लो यहाँ करंट 0.5 एम्पियर आया, तो इसमें कितना करंट जाएगा, सिर्फ 2.5. अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 4 इंटू 2.5 यानी 10 वोल्ट आएगा. आना कितना चाहिए था 12. यानी ये क्या करता है कि कुछ पोटेंशियल डिक्रीज कर देता है. हाँ, अगर इसका रेजिस्टेंस इन्फाइनाइट हो जाए, इन्फाइनाइट हो जाएगा तो इस ब्रांच में करंट जीरो जाएगा. हा, करंट आई इज इक्वल्स टू वी वाई आर. अगर किसी ब्रांच का रेजिस्टेंस इन्फाइनाइट हो जाए तो उस ब्रांच में करंट जीरो. इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका आप रेजिस्टेंस इन्फाइनाइट कर दो, ताकि इसमें कोई करंट जाए ना, सारा 3 एम्पियर इसमें जाए और पोटेंशियल 12 वोल्ट मेजर. समझ गया प्रॉब्लम क्या है. ये मेरे सुबह का अलार्म, वीडियो काफी सुबह सुबह बनता हुआ ये. ओके, हाँ मैं अलार्म लगा के सो गया था, उठ गया था मैं बीच रात में, तब से वीडियो बन रहा है.
हाँ चलो वापस आते हैं, सब बातें छोड़ते हैं। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर डिक्रीजेस एक्चुअल वी, क्लियर है। तो इसको बचाने के लिए हम बोलते हैं कि आर ले लो, सो वी कनेक्ट हाई रेजिस्टेंस आर, जिसकी वजह से आर प्लस जी क्या हो जाता है, वेरी वेरी हाई, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट बहुत कम आएगा। जैसे मान लो अब ये इन्फाइनाइट तो हो नहीं सकता, मान लो ये 10,000 ओम हो गया, किस तरह से इसको आपने 10,000 ओम कर दिया, तो यहाँ करंट बहुत कम आएगा, 0.0001 एम्पियर, और यहाँ करीब करीब करंट 3 एम्पियर जाने लगेगा, समझे। वोल्टमीटर पैरेलल में लगता है ना, ये वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस, धीमे धीमे चबा चबा के खाना, वरना सोचोगे ये पैरेलल क्या हो रहा है, पैरेलल में इसके साथ लगता है, ये वोल्टमीटर लगा के देखा, मैंने कहा 3 एम्पियर भेजा, वोल्टमीटर ही कुछ करंट खा रहा है, जब वोल्टमीटर इसमें से कुछ करंट खींच लेगा तो यहाँ करंट कम आएगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी कम आएगा। मैंने कहा था ना इसे वोल्टमीटर ने अगर 0.5 खींच लिया तो यहाँ सिर्फ 2.5 गया, और फिर पोटेंशियल कितना मेजर होगा, 10 वोल्ट। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जितना हाई होगा उतना कम करंट इस तरफ आएगा, करंट हाई रेजिस्टेंस थोड़ी ना जाता है। अब इसका रेजिस्टेंस 10,000 ओम कर दिया तो यहाँ करंट 0.001 एम्पियर, और यहाँ करीब करीब वापस 3 एम्पियर, पोटेंशियल कितना मेजर हुआ, 10 वोल्ट। तो कहने को वेरी वेरी हाई होगा प्रैक्टिकली, क्योंकि आप इन्फाइनाइट नहीं कर सकते, और आइडियली कितना होना चाहिए, इन्फाइनाइट। सो दैट्स इट फ्रॉम गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर एंड एमीटर। एमीटर कैसे बनेगा, बाय कनेक्टिंग अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस शंट इन पैरेलल विथ जी। फॉर्मूला क्या लगाओगे, आई जी इंटू जी इज इक्वल्स टू आई माइनस आई जी इंटू एस। वोल्टमीटर कैसे बनेगा, बाय कनेक्टिंग अ वेरी हैवी रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर। फॉर्मूला क्या होगा इस बार, V इज इक्वल्स टू आई जी इंटू जी प्लस आर, यही फॉर्मूला है ना इसका वोल्टमीटर का। और गैल्वेनोमीटर का क्या था, आई जी इंटू जी इज इक्वल्स टू आई माइनस आई जी इंटू एस। एमीटर का, एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, जीरो आइडियल का, और वोल्टमीटर का आइडियल का, इनफाइनाइट। तो यहीं पे इसको करते हैं समाप्त, आप जाके करिए खूब ढेर सारे सवाल, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।